किसान भाइयों नमस्कार, मालवा फार्म में आपका स्वागत है। ये वीडियो हम बना रहे हैं मराठा डेयरी फार्म पे राजेंद्र भाई के पास। आज इन्होंने 10 गायें सेल करी है महाराष्ट्र के लिए। क्या रेट पे गायें सेल हुई है, कितने दूध वाली गायें हैं, उसके बारे में सब कुछ आपको डिटेल में बताएंगे। और 15-20 गायें सेल के लिए अवेलेबल खड़ी है, वो गायें भी आपको चला कर दिखाएंगे। सभी गायें तो चला कर नहीं दिखा सकते, 2-4 गायें उनमें से चलाएंगे जो सेल हुई है, 2-4 गायें उनमें से चलाएंगे जो सेल के लिए अवेलेबल है। सबसे पहले पूरे फार्म का व्यू देख सकते हो, इधर भी लास्ट तक गायें खड़ी है और दूसरी तरफ भी लास्ट तक गायें खड़ी है। 30 गायें के अराउंड यहाँ पे अवेलेबल है। सब कुछ आपको डिटेल में बताएंगे, पहले राजेंद्र भाई से बात करेंगे, बाद में गायें चला कर दिखाएंगे, उनका रेट दूध राजेंद्र भाई हमें बता देंगे। और अगर आप इस फार्म से गायें खरीदना चाहते हो तो यह नंबर हमने आपके साथ शेयर किया है, उस नंबर पर कॉल करके कभी भी यहाँ पर आकर गायें खरीद सकते हो। या फिर सेकंड ऑप्शन है आपके पास कि यहाँ पे आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो। दोनों ऑप्शन अवेलेबल है, जैसे आपको ठीक लगे वैसे ही गायें का यहाँ पे ऑर्डर कर सकते हो। और वीडियो शुरू करने से पहले हमारा आपसे निवेदन रहेगा कि अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास लगी घंटी के बटन को दबा देना, क्योंकि हम आपके लिए अलग अलग पशुओं की वीडियो शेयर करते रहते हैं जो पशु सेल के लिए अवेलेबल हैं या सेल हो चुके होते हैं। इसके साथ वीडियो देखने के साथ आपको एस्टिमेट आ जाता है कि मार्केट का रेट क्या चल रहा है, कितनी दूध वाली गाय का कितना रेट है। तो सबसे पहले राजेंद्र भाई से बात करते हैं, फिर गायें चला कर दिखाएंगे। हाँ जी राजेंद्र भाई नमस्कार। नमस्कार निर्मल भाई, स्वागत आपका हमारे फार्म पे। जी धन्यवाद, क्या हाल है भाई साहब? जी बहुत बढ़िया। महाराष्ट्र 10 गायें जा रही है? हाँ जी महाराष्ट्र जा रही है जी। ये अपना क्या है जी, ये 3 कस्टमर को अलग अलग जा रही है जी। एक तो जा रही है नासिक, 4-5 गायें जा रही है नासिक, और 3 गायें जा रही हैं औरंगाबाद की तरफ। और ये ऑनलाइन ऑर्डर है, मतलब कि उन्होंने सिर्फ मतलब क्या है, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ जी आपके चैनल की, मतलब कि मैं जो मतलब आज इतनी गायें रख रहा हूँ और ऑनलाइन ऑर्डर आ रहे हैं, तो ये सब आपके चैनल की वजह से, मालवा फार्म की वजह से कि लोग हम पे विश्वास रख रहे हैं और वो आपकी वीडियो देख के हैं, आप मतलब चैनल को देखते हैं और हमारी वीडियो देखते हैं, तो उससे हम पे ये रिस्पॉन्स आ रहा है। रिस्पॉन्स तभी आएगा ना राजेंद्र भाई अगर ईमानदारी से चलोगे। आप ईमानदारी का काम कर रहे हो तभी आपके पास ऑर्डर मिल रहा है जी। बिल्कुल, देखो पता है निर्मल भाई, अगर हम गलत करेंगे तो आप भी हमारी वीडियो बनाना बंद कर दोगे जी। सर आप अगर अच्छा करेंगे तो अच्छा होगा, जेन्युइन काम कर रहे हो ना तभी वीडियो बना रहे हैं निर्मल भाई। पता है क्या, देखो मैं एक बात और कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जो किसान हमसे लेके गए हैं गाय, और भगवान ना मतलब कोई गलतियाँ मतलब कुछ हुई हैं कि हमारी वजह से कोई किसी जानवर खराब निकला है, तो वो हमें मतलब कि प्लीज़ मतलब कि अगर है मतलब कि उसकी उनसे हम क्षमा मांगना चाहते हैं बिल्कुल तय दिल से कि भाई हमसे ये गलती हुई है। लेकिन गलती क्या है, हम जानबूझ के नहीं करते, ये हो जाती है लाइव स्टॉक है, तो इसलिए किसान भाइयों से मतलब कि सबसे हाथ जोड़ के ये विनती है कि इस चीज़ को मतलब कि वो गलत वे में मत लेके जाएँ। गलती होना कोई बड़ी बात नहीं, गलती करके गलती को स्वीकार मत करना तो, वो गलत बात है जी। हाँ तो ऐसा क्या है ना कि हम जैसे कि अभी हमारे कुछ किसान भाई हैं, जैसे मेरा कमिटमेंट हुआ एक दो किसान भाइयों से हमारा जी, उनकी थोड़ा गायें में प्रॉब्लम हो गई, तो उनको बोला है कि मैंने तुम्हें 2 बछड़ियाँ दूंगा, तो उनको भी मैं, हमारे फौजी भाई हैं सुन रहे होंगे वीडियो में, तो उनको भी 2 बछड़ियाँ भेजूंगा। एक और हमारे अर्जुन आ रही है, अर्जुन है लड़का, वो औरंगाबाद की तरफ से, उनको भी 1 बछड़ी भेजनी है, थोड़ा गाड़ी में डिले हो रहा, तो उनको भी 1 बछड़ी भेजूंगा मैं, तो उनका कुछ जैसे थोड़ा प्रॉब्लम हुआ तो उनके साथ हम खड़े हैं अपने किसानों के साथ। यही बड़ी बात होती है, उनसे पीछे नहीं हटेंगे, किसानों के साथ खड़ना। हाँ देखो बिल्कुल पूरा तो हम भी नहीं कुछ कर सकते उनके लिए, लेकिन ये है कि उनका नुकसान है तो उसका आधा कुछ ना कुछ भरपाई अपनी तरफ से करेंगे, ठीक है ना। अगर कुछ डिले होता है तो उसके लिए वो किसी कारणवश डिले हो जाता है मतलब, लेकिन उसको करेंगे पूरा, छोड़ेंगे नहीं उसको। सेल के लिए अभी कितनी गायें अवेलेबल है? सेल के लिए निर्मल भाई आज भी अभी कम से कम 22 गायें अवेलेबल हैं, 22 से 25 बछड़ियाँ भी हैं और गायें भी हैं। जैसे महाराष्ट्र आज आप गायें भेज रहे हो, हाँ जी ये लॉट में भेजी है या सिंगल सिंगल? ना जी ना, ये पता क्या है जिसमें 3 एनिमल तो एक अलग फार्मर के हैं। अच्छा, हमसे पहले उन्होंने हमसे ऑनलाइन गायें खरीदी, बछड़ियाँ खरीदी थी, ठीक है, तो उन्होंने दोबारा विश्वास हम पे जताया, नीलेश जाधव है उनका नाम जी, तो उनके हैं 3 एनिमल अलग से, 3 एनिमल है औरंगाबाद के कस्टमर है, जिन्होंने हमारा जो बीड अभी लड़का आया था अपने पास एक युवराज आप पिछली वीडियो में, हाँ जी उनके उनकी गायें देख के, तो वो उनकी गायें भी अच्छा दूध दे रही है वहाँ पे, तो वो भी आ रहे हैं उनके रेफरेंस से आए हैं, मतलब कि रेफरेंस से इन्होंने 3 गायें उन्होंने लिए है औरंगाबाद से। जैसे गाड़ी कब लोड कर रहे हो महाराष्ट्र की? गाड़ी तो निरंजन भाई आज शाम को हो सकती है या कल, कोशिश। कितना टाइम लग जाएगा, कितने स्टॉप आएंगे रास्ते में? स्टॉप इसमें लगेंगे जी 2 से 3, 2 तो कन्फर्म है, तीसरा भी हो सकता है। और जब गायें महाराष्ट्र पहुंच जाएगी तब महाराष्ट्र गायें सेट करने के लिए किसानों को कौन कौन सा ध्यान रखना चाहिए कि गायें थकावट हो जाती है, रास्ते में काफ़ी लंबा रास्ता हो जाता है, तो कैसे स्पेशल केयर करें कि गायें उतने दूध पे बराबर आ जाए? पता क्या जी, पहले तो
उनकी केयर तो बाद में होगी, पहले जब हम यहाँ से गाड़ी में भेज रहे हैं ना जी, हमें ही उनको बहुत अच्छे से मेडिसिन दे के भेजना पड़ेगा। मीन्स जैसे हम अपनी गाड़ी में गायें लोड करते हैं ना, लोड करने से पहले पर गाय को विटामिन, ये अपना विटामिन सी और अपना ये ट्रेवीवेट के इंजेक्शन देंगे, जिससे उसमें क्या होगा कि वो थकावट नहीं आएगी उसको गाड़ी में, स्ट्रेस नहीं आएगा, तो वो अच्छे से पहुंच जाएगी। पहुंचने के बाद भी मतलब उनको दो तीन दिन लगातार यही क्या होगा, विटामिन सी हो गया, ट्रेवीवेट हो गया, मतलब उनको मिनरल मिक्सचर के और विटामिन के इंजेक्शन और साथ में वाइटामिन और कैल्प जेल वगैरह रूटीन में देनी पड़ेगी, तब जाके उनकी वो स्ट्रेस यहाँ का जो गाड़ी में ख़त्म होगा। कितने दिन ले जाएगी जी? कम से कम जी देखो ऐसे स्ट्रेस ख़त्म होने हफ्ता या 10 दिन तो लेता है जानवर जी। हाँ, तो उसमें क्या है कि एक और दूसरी बात हमारे फार्मर से कहना चाहता हूँ कि जब वहाँ पे जाएँ गाय तो जाने के बाद रूटीन में लगातार उनका चेकअप करें टेम्परेचर, क्योंकि यहाँ से जाने के बाद एक समस्या आ जाती है थलेरिया की, लगातार बुखार आता है तो उसमें वो थलेरिया हो जाता है, तो उसको कवर करने के लिए उसको लगातार चेकअप कराएँ कि गाय को टेम्परेचर कितना आ रहा है, कैसे आ रहा है, तो वो चीज़ भी नोट रखनी पड़ेगी। तो किसान भाइयों, ये कस्टमर है जो महाराष्ट्र से गायें खरीद रहे हैं, इनके साथ बातचीत करते हैं। हाँ जी नमस्कार भाई साहब जी। अपना नाम और एड्रेस बता दो जी। मेरा नाम तो नीलेश जाधव करके, हेडपोस्ट देवपुर तहसील सिन्नर डिस्ट्रिक्ट नासिक। और राजेंद्र भाई से कब से गाय खरीद रहे हो आप? हमने तो अभी दूसरी बार है, पहले एक मंथ पहले दो लाई थी, अब फिर तीन गाय लाई है हमने। ठीक है, जो पहले गाय ली थी वो गाय सही निकल गई है? बहुत बढ़िया, हमारी तरफ से तो बहुत बढ़िया। और दूध जितना बोला था उतना दे रही है? जी अभी वो गेंद नहीं है, लेकिन बहुत बढ़िया बेटर है, बहुत अच्छा है, हमारी इधर से गाय से भी बहुत बढ़िया है। ठीक है, और अभी आप ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हो तो विश्वास है मराठा डेयरी फार्म पे इतना कि ये ठगी नहीं करेंगे ऑनलाइन में? कभी भी नहीं करेंगे, वो आदमी ठगी करने वाले में से नहीं है, बहुत बढ़िया आदमी है, उसके कमेंट देखो ना राजा भाव के कमेंट देखो। तो ऐसा क्या, तो ऐसा क्या देखा आपने राजेंद्र भाई के साथ, मतलब ऐसे कम्युनिकेशन कैसे बन गया कि वो ठगी करेंगे नहीं, आपको कैसे विश्वास आ गया? नहीं हमने उनके जो अपना जो मारवा फार्म है ना, उनके हमने सब कमेंट देखे और जो कस्टमर भी उनके पास जाके आए उनके सबका ये देखा, बोलने का चाल ढंग सब देखा राजा भाव के, इसलिए हमने राजा भाव से गाय परचेस किया। और जो पहली बात तो यही है तो यो हमारे मराठ के लोगों के लिए तो बेटर ही, हमारे मराठे इसलिए हम तो ज्यादा उनके पास अट्रैक्ट होते हैं। तो अगले टाइम क्या कहना चाहोगे जो किसान है राजेंद्र भाई से गायें खरीदना चाहते हैं, ये सही काम करते हैं, टेंशन फ्री होकर गायें खरीद सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हमको जाने की और दिक्कत लेने की कोई जरूरत नहीं, अभी ये कोरोना की वजह से, ना तो कोई जाने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, और जब किसी को भी परेशानी होगी तो हमको, हम दो चार कस्टमर हमसे बात कर सकते हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं। जी ठीक है, ओके, धन्यवाद भाई साहब। तो जी गाय महाराष्ट्र जा रही है जी। बिल्कुल भाई, ये गायें जो अपना शाम है, शाम नाम है उनका, औरंगाबाद वालों ने ली है मेरे से, प्रेग्नेंट ली थी, इसको सेक्सीमन लगा था और इसने बछिया दे दी है। इसको आज 24-25 लीटर चीका रेडी हो चुका है, कब डिलीवरी हुई थी इसको? अभी 5-6 दिन हुए, ये दूध देगी 40 तक। तो देखो मैं उनके वहाँ पे 35 निकाले तब भी बहुत है, नया फार्मर है बिल्कुल, लड़का बिल्कुल, मतलब उसको नॉलेज नहीं है। सेकंड में है गाय? नहीं जी, सेकंड में, थर्ड में है। थर्ड में? हाँ जी। कितने रेट पे सेल करी है आपने? ये रेट पे तो जैसे मैंने तो तीन गायें दी उनको 70,000 के एवरेज में, तो उसमें क्या है ये गायें तो हो समझ लो कि 75 की समझ लो इसको, या 80 की समझ लो, जो दूसरी गायें हैं उनको 60 मतलब 60 इसे मतलब कि एवरेज में, मतलब उनको तीन गायें 2,05,000 में दी है, इसको 70 की समझ लो या 80 की समझ लो, वो थोड़ा सा 25 प्लस वाली है और ये 35 प्लस वाली है। चलाओ जी। तो किसान भाइयों, तीसरे भी अंत की गायें हैं, महाराष्ट्र जा रही है, गाय की क्वालिटी देख सकते हो, अब की बार तीसरे ब्यांत में 40 लीटर दूध देगी, अभी भी 25-26 लीटर गाय का दूध तैयार है और जैसा रेट लगाओगे वैसी आपको क्वालिटी मिल जाएगी। ये गाय महाराष्ट्र जा रही है, 70,000 की एक एवरेज बना दी, अगर इसका सिंगल का रेट हम करें तो 75 के राउंड आ जाएगा सिंगल गाय का रेट। गाय की क्वालिटी देख सकते हो, क्वालिटी आपके बिल्कुल सामने है, जैसा रेट लगाओगे वैसी आपको क्वालिटी मिल जाएगी, 40 लीटर वाली मिल जाएगी, 50 लीटर वाली मिल जाएगी, 30 लीटर वाली मिल जाएगी, 25 लीटर वाली मिल जाएगी। तो जे गाय का फिलहाल 40 लीटर दूध टोटल करेगी, जे इसका बच्चा देख सकते हो आपके बिल्कुल सामने है, अडर क्वालिटी देख सकते हो, अडर क्वालिटी को देखकर खुद एस्टिमेट लगा सकते हो कि गाय 40 लीटर दूध करेगी या नहीं करेगी, वो आपके बिल्कुल सामने है।
ये गाय के बारे में बता दो भाई। ये गाय हमारे दिल्ली के कस्टमर है, हमारे मतलब घर जैसे मेंबर हैं। पिछले 2 साल से ऑनलाइन माल ले रहे हैं, कभी आए नहीं इधर। इसने बच्चा दिया गाय ने कल, बछिया, और अभी 18 लीटर चीके है इसको, मतलब दूध देगी 25+ बिल्कुल खुला। कौन से ब्यांत की गाय है? ब्यांत सेकंड है, जिसने फर्स्ट में दे रखा था 24-25 किलो, अभी सेकंड ब्यांत की है। और ये जो दिल्ली के कस्टमर हैं, ये लोकेश शर्मा जी उनका नाम, वो हमारे पास कभी आज तक आए नहीं, सिर्फ ऑनलाइन ही गाय ले रहे हैं। कभी नहीं मिले आपसे? कभी वैसे मिले थे पहले, अच्छा, लेकिन लॉकडाउन 2 साल के बाद नहीं मिले। 2 साल के बाद हम दोबारा अब तक हम नहीं मिले, और ऑनलाइन ही माल ले रहे हैं विश्वास से। हाँ, विश्वास से। और किस रेट पे सेल करी है जी? ये 66 की है जी। कितनी, एक ही जा रही है या दो? ये एक और जा रही है। अच्छा, दो जा रही है। उनको चलाओ जी, गाय महीने में 4-5 गाय जाती है ऐसे अपने पास से, मतलब विश्वास का काम है ना, तभी 2 साल से बिना देखे ऑर्डर जा रहा है। बिल्कुल 2 साल से। तो किसान भाइयों, ये गाय की क्वालिटी देख सकते हो, ये गाय दिल्ली जा रही है, 65,000 में ये गाय सेल हुई है, 25 लीटर से प्लस दूध करेगी, दूसरे व्यंत की गाय है, दिल्ली ऑनलाइन जा रही है, और जो महाराष्ट्र जा रही है वो भी ऑनलाइन गाय जा रही है। हर तरह का रेट मिल जाएगा, हर तरह की क्वालिटी मिल जाएगी। ऑनलाइन का जो काम होता है पूरे का पूरा विश्वास का काम होता है, जो खरीदने वाला है उसको विश्वास करना पड़ेगा बेचने वाले पे, जो बेचने वाला है उसको विश्वास करना पड़ेगा जो खरीद रहा है। दोनों तरफ से अगर एक दूसरे पे विश्वास होगा तभी ये काम आगे चलता रहेगा, क्योंकि विश्वास का काम है। जब इस काम में बेईमानी आ जाती है तो काम आगे नहीं बढ़ेगा। ऑनलाइन एक बढ़िया आपके लिए बेटर ऑप्शन है, तो इसको ऐसे बरकरार रखें जो सभी बेचने वाले खरीदने वाले हैं चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि हर किसी के पास समय नहीं होता कि वो फार्म पे विज़िट करें, वहाँ से आकर गाय खरीदें। तो गाय वीडियो पे देख लेते हैं आदमी, ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हैं, क्योंकि आपको पता है अभी डिजिटल इंडिया आ रहा है, हर दिन इंडिया में जो डिजिटल है काम बढ़ता जा रहा है, वैसे ही पशुओं का भी काम ऑनलाइन बढ़ेगा, तो आपको भी बेनिफिट रहेगा जी। राजेंद्र भाई, ये बछड़ी के बारे में बता दो जी। हिरुल भाई, ये नीलेश यादव जी हैं जो अपना नासिक के पास ही हैं, महाराष्ट्र जा रही है। महाराष्ट्र, उन्होंने ऑनलाइन ली थी हमसे पहले भी 2 बछड़ियाँ, फिर उन्होंने ऑनलाइन लिया। तो ये 4 दांत हैं और 7 महीने की गाभिन है। ठीक है जी। हाँ जी। और सीमन कौन सा रखवाया गया है? आगे देखो जी, इसको भाई मैं इस चीज़ के लिए इसकी पुष्टि मतलब यूँ नहीं कह सकता, गारंटी से गारंटी नहीं ले सकते। हाँ, फार्मर ने तो जो बताया है कि उसका बताया हमको, क्या बोलते हैं उसको, वर्ल्ड वाइड जी, लेकिन उसके लिए भी कोई गारंटी नहीं दे सकते। हॉट स्टार का बता रहे हैं, लेकिन हम लेकिन दूध फर्स्ट में बछड़ी दे देंगे 25 किलो। 25 किलो जो बछड़ी की, किस रेट पे सेल करी है जी? ये जोड़े में दिए, तो ये हो गया, एक हो रहा है, ये 92 का जोड़ा दिया है। ठीक है, चलाओ ये बछड़ी को। तो किसान भाइयों, 92,000 में जोड़ा सेल हुआ है पैर में, और 7 महीने की अभी ज्ञापन है। बछड़ी की क्वालिटी देख सकते हो, क्वालिटी आपके बिल्कुल सामने है। सीमन के बारे में राजेंद्र भाई ने बता तो दिया, लेकिन कह रहे हैं कि हम इस बात की श्योरिटी नहीं लेते, गारंटी नहीं लेते कि वाकई ये सीमन लगा हुआ है। हाँ ठीक है, ये भी बात के ईमानदारी से काम कर रहे हैं, सच बोल कर दे रहे हैं। ए वी एस का, डेनमार्क का गारंटी नहीं ले रहे कि ये सीमन लगा हुआ है, लेकिन क्वालिटी है जो आज की डेट में वो आपके बिल्कुल सामने है। और पहले भी अंत में ऐसी बछड़ी 25 लीटर 30 लीटर दूध बड़ी आसानी से कर जाती है, क्योंकि ब्रीड होती है, ब्रीड बड़ी आसानी से दूध निकाल देती है, उसे कोई दिक्कत नहीं आती। बाकी ये देख सकते हो, ये सामने बछड़ी हैं जो 1-2 सेल के लिए अवेलेबल है, 2 महाराष्ट्र जा रही है। राजेंद्र भाई, ये बछड़ी का क्या बैकग्राउंड है जी? ये 2 दांत है और ये है 5 महीने के आसपास प्रेगनेंट। और ये दूध कितना देगी जी? दूध देगी बछड़ी अभी फर्स्ट में 24 किलो। ये पेयर में है जो महाराष्ट्र जा रही है? पेयर में जी, ये उससे साइज में थोड़ा ऊंची है, मतलब ब्रीड क्वालिटी दोनों में बिल्कुल सिरे की हैं दोनों बिल्कुल। तो किसान भाइयों, ये गाय भी महाराष्ट्र, ये बछड़ी भी महाराष्ट्र जा रही है, पेयर में 92,000 में सेल हुई है। ब्रीड इसकी भी टॉप थी, जो पहले बछड़ी चलाकर रखाई थी उसकी भी ब्रीड टॉप है, मतलब जैसी ही क्वालिटी चाहिए वैसी क्वालिटी आपको इस फार्म से मिल जाएगी। बछड़ियाँ भी दिखा दी हमने, आयरशायर गाय भी दिखा दी, जर्सी गाय भी आपको दिखा दी, HF भी दिखा दी, क्रॉस HF भी दिखा दी। जैसी क्वालिटी चाहिए वैसी क्वालिटी बता दो कि हमें ऐसी क्वालिटी चाहिए, वैसी ही क्वालिटी मिल जाएगी। और रेट एक बार बता दो कि हमें 50,000 में गाय चाहिए, 70,000 में गाय चाहिए, या 90,000 में गाय चाहिए, हर तरह की गाय मिल जाएगी। और बछड़ी का ब्लड देखो कितना एक्टिव है, और बॉडी स्ट्रक्चर देखो, ब्रीड के करेक्टर देखो, और बॉडी की शाइनिंग देखो, कितनी शानदार क्वालिटी की बछड़ी है। इस गाय का बैकग्राउंड बता दो भाई। इसके नीचे इसमें 20 लीटर दूध रेडी है। कौन से ब्यांत की गाय है? सेकंड ब्यांत की है, जर्सी क्रॉस गाय है ये, और फैट परसेंटेज में बहुत बढ़िया बीसी रहेगा, जाएगा बढ़ जाएगा जी। अभी अगर फीड वीड डालेंगे तो बढ़ेगा, अभी हमने फीड नहीं डाली, बढ़ेगा। अच्छा, और सेल के लिए जी? हाँ जी, सेल के लिए। क्या रेट है जी लेने देने वाला? 55,000। 55,000। हाँ जी, चलाओ जी। तो किसान भाइयों, क्रॉस की गाय है,
20 लीटर दूध तैयार है। अगर अच्छी फीड डाल दी जाए तो 22-23 के आसपास में दूध कर जाएगी। फीड डालने से 2-3 लीटर तो पशु बड़ी आसानी से बढ़ जाता है। 55,000 गाय का रेट है, सेल के लिए अवेलेबल है। गाय की क्वालिटी आप देख सकते हो, हम इसे प्योर नहीं कह रहे, जैसे कि राजेंद्र भाई ने आपको पहले ही बता दिया कि क्रॉस गाय है। क्रॉस को क्रॉस बोलेंगे, प्योर को प्योर बोलेंगे, जो ब्रीड में होगी वो ब्रीडेड बोलेंगे। ये क्रॉस की गाय है, लेकिन इसकी फैट बढ़िया आएगी, दूध पीने में बढ़िया होगा। काफ़ी शानदार क्वालिटी की गाय है, सेल के लिए अवेलेबल। अभी 20 लीटर दूध तैयार है। ये गाय भी सेल के लिए है जी? हाँ जी, ये भी सेल के लिए। कौन से ब्यांत की गाय है? ब्यांत जी इसका थर्ड है जी। थर्ड? हाँ जी। ग्यापन है? हाँ जी, ग्यापन है जी। कितने दिन में आएगी जी? इसका टाइम है जी 15 दिन का टाइम है। पिछले ब्यांत में इसने दूध दिया जी 28-29 किलो। 30 करेगी अब? हाँ, पार करेगी जी बिल्कुल। और लेने देने वाला प्राइस क्या है? 72। हाँ जी, चलाओ ये। तो किसान भाइयों, तीसरे ब्यांत की ग्यापन गाय है, 27-28 लीटर दूध पहले दूसरे ब्यांत में करा है। गाय की क्वालिटी आप देख सकते हो, क्वालिटी आपके सामने है। अब की बार तीसरे ब्यांत में 30 लीटर दूध कर जाएगी और सेल के लिए अवेलेबल है। 72,000 गाय का रेट है, 72,000 में आपको ये गाय मिल जाएगी तीसरे ब्यांत की। गाय की क्वालिटी आप देख सकते हो, क्वालिटी आपके बिल्कुल सामने है। बॉडी के करेक्टर, बॉडी के स्ट्रक्चर, अभी अडर देखो, अडर की और ग्रोथ होगी। जो ये गैप रह रहा है बिल्कुल कवर कर जाएगी जब तक गाय डिलीवरी के लिए रेडी होगी और 30 लीटर दूध करेगी, क्योंकि दूसरे ही ब्यांत में गाय ने 26-27 लीटर दूध कर रखा है। हाँ जी किसान भाइयों, हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तो कोई भी किसान भाई हमसे गाय खरीदना चाहता है तो उससे पहले कि वो जानना चाहता है कि हमारा माल कहाँ गया है, क्या रिव्यू है, तो हम उनके नंबर भी दे सकते हैं किसान भाइयों। तो बेझिझक हो गया, ये कोई दिक्कत नहीं है आपको, किसी प्रकार की भी दिक्कत नहीं आएगी। और किसी को अगर कोई हमसे समस्या है तो हमसे फ़ोन करके बताए, उसका भी समाधान करेंगे, मतलब कि उससे छुप के नहीं भागेंगे। और किसी को जैसे कि क्या होता है ना, हमारा मतलब कि थोड़ा वो कोई गाय में कमी ज़्यादा निकल जाती है, तो उसके लिए भी साथ में खड़े हैं, उसको क्लियर करके देंगे। तो किसान भाइयों, हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।